So, hey guys, जैसे कि अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है, guys, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से इस रील की एडिटिंग करने बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया। सबसे पहले इस वीडियो की एडिटिंग के लिए एक VPN को अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है और इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एडिटिंग के लिए सिंपली कैपकट ऐप को ओपन करना है। अगर आपके फोन के अंदर कैपकट ऐप नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लेना, आईफोन और एंड्रॉइड में आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी वो वीडियो ऐड कर लेनी है जिसकी आप अपनी रील एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक ये वीडियो ऐड कर लिया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है वीडियो के यहाँ से म्यूजिक को म्यूट कर देना है, और म्यूट करने के बाद गाइज अब हमें क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइज हमें जाना है सबसे पहले दो फिंगर की मदद से वीडियो को जूम करना है, और जूम करने के बाद ये देखिए 0 सेकंड पर आना है, 5f 10f 10f पर आकर के वीडियो को सिंपली एक स्प्लिट कर देना है। नेक्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करना है, इसकी स्पीड कर देनी है 0.3x, ठीक है। ये देखिए 0.3x, आप इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें जाना है 2.5f पर, यानी कि 2 सेकंड पर जाना है। देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड और 5f, ठीक है। सिंपली यहां पर आकर के वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट का पार्ट है इस पर क्लिक करना है, स्पीड पर, नॉर्मल पर, और इसकी स्पीड कर देनी है हमें 0.7x, ठीक है, 0.7x, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब इसमें नेक्स्ट स्प्लिट हमें लगाना है 3 सेकंड, और 3 सेकंड के बाद 10f 5f 10f, ये ठीक है। सिंपल यहाँ पर रोक करके फिर से वीडियो को क्लिक करके स्प्लिट लगा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट बचा है अब इस पर क्लिक करना है, स्पीड पर, नॉर्मल पर, और फिर से स्पीड 0.3x कर देनी है, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं स्लो एंड फास्ट मोशन लगा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को गाइस आराम से एडिट करना, ठीक है, बैक कर करके अगर समझ नहीं भी आए तब। ओके, सो अब हमें सेकेंड और लास्ट मतलब नेक्स्ट स्प्लिट हमें लगाना है 3.25f, यानी कि 3 सेकंड आ गया, 5f 10f 15f 20f 25f, और गाइस 25f के बाद भी जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट इस पॉइंट के ठीक सामने वीडियो को रोकना है और स्प्लिट करना है। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली 3 से 4 बराबर हमें स्प्लिट लगा लेना है। नेक्स्ट स्प्लिट हमें लगाना है 5 सेकंड पर, तो ये देखिए 5 सेकंड आ गया, 5 सेकंड के बाद 5f 10f 10f पर स्प्लिट लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट लगाना है 6.10f पर, तो 6 सेकंड आ गया और 10f आ गया, यहाँ पर स्प्लिट लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट लगाना 7.5f पर, तो 7 सेकंड आ गया, 5f आ गया, स्प्लिट लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट लगाना 8.5f पर, तो 8 सेकंड आ गया, 5f आ गया, सिंपली यहाँ पर भी स्प्लिट लगा देना है। वन ऑफ द लास्ट स्प्लिट हमें लगाना 9.5f पर, और ये 9.5f भी आ गया, स्प्लिट लगा देना है। ओके, अब हमें क्या करना है, दो फिगर की मदद से इसको छोटा करना है। स्टार्टिंग में आना है, एड ऑडियो पर क्लिक करके एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। यहां से गाइस वो वीडियो हमें मिल जाएगी जो कि ये है। ओके, देन हमें स्टार्ट लास्ट में आना है इस ऐप का, जितना बड़ा यहाँ पर इसकी ऑडियो है ना, ऑडियो के बराबर अपनी वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट करके लास्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। इस ऐप पर एक छोटा सा वाटर मार्क आएगा, इसको भी डिलीट कर देना। अब स्टार्टिंग में आना, ओके। सो सबसे पहले तो कैसे हमें लास्ट में आना है, और लास्ट के जो ये माइनस देख रहे हैं ना आप, इस माइनस पर क्लिक करना है लास्ट वाले पर, ठीक है, माइनस पर, और यहाँ पर लगा देना है सुपर इम्पोज। ओके, देन राइट पर क्लिक कर देना। मैं इसकी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, बाद में प्ले करके दिखा दूंगा। फिर उसके बाद हमें फिर से गाइस माइनस पर क्लिक करके सुपर इम्पोज, लास्ट के 5 जो ये माइनस है, लास्ट के 5 माइनस पर हमें सुपर इम्पोज लगा लेना है। मैंने यहाँ पर अभी 3 पर लगा लिया है, और यहाँ पर लास्ट के 4 पर लगा लेते हैं, और ये लास्ट के 5 हो गए, ठीक है। लास्ट के 5 पर देखिए गाइस 1 2 3 4 5, लास्ट के 5 माइनस पर मैंने सुपर इम्पोज लगा दिया है। और जो 6th वाला है इस पर क्लिक करना, बट हमें सुपर इम्पोज नहीं लगाना है, हमें जाना है लाइट इफेक्ट पर, और यहाँ पर लगाना है फ्लोड लाइट या ब्लांच, ठीक है, ब्लांच लगा लेते हैं वैसे हम। ओके, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब स्टार्टिंग में आना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है, हेलो ब्लर पर क्लिक करना है, इस पर एक बार और क्लिक करना है, इंटेंसिटी को फुल और स्पीड को 20। ओके, देन राइट पर क्लिक कर देना, और इस हेलो ब्लर को हम लगाने वाले हैं अपने 4 वाले सेकंड तक, ठीक है। ये देखिए जो 4 सेकंड वाला स्प्लिट है हमारा, इसकी एंड तक हम हेलो ब्लर को लगाने वाले हैं, बस। अब जो हमारी रील है इसी तरीके से प्रोफेशनल एडिट हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसी बनी है। I'm
तो गाइस मेरी वीडियो काफी ज्यादा पुरानी शूट हो भी थी और इस वीडियो के लिए मैंने शूट भी नहीं करी थी। तो जब आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से शूट करके एडिट करोगे तो काफी प्रोफेशनल रील एडिट हो गई है। ओके सो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू ट्रेंड के साथ। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।